बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट ऑर्गेनेली पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज द वैक्यूल और वैक्यूल्स। व्हाट आर द वैक्यूल्स? वैक्यूल्स आर द फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर। दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर। बेटा इसके अंदर फ्लूइड होता है। ये जो इसके मेम्ब्रेन होती है बेटा, इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है इसको हम कहते हैं सैप, जिसमें वाटर के साथ बहुत से सॉल्ट्स होते हैं जो कि विद इन द सेल सॉल्ट्स की और वाटर की मेंटेनेंस में हेल्प आउट करने में हेल्प आउट करते हैं सेल को। अब हम सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल सेल्स का केस देखते हैं कि उनके अंदर वैक्यूल्स हैं कि नहीं। एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर वैक्यूल होते हैं, लेकिन विद इन द मैच्योर प्लांट सेल एक इनलार्ज्ड वैक्यूल होता है। इसी इनलार्ज्ड वैक्यूल की वजह से बेटा क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है इट विल बी पुश टुवर्ड द साइड। जो न्यूक्लियस है ये साइड पे पुश कर दिया गया है। ऐसा हरगिज होता नहीं है कि इमेच्योर स्टेज से ही इस तरह की फॉर्म होती है प्लांट सेल की, नहीं। इमेच्योर फॉर्म में वैक्यूल बेटा स्मॉल होता है। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर ये इनलार्ज होता है, जिसकी वजह से इट विल डेवलप द प्रेशर ऑन द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पे पुश कर दिया जाता है और ये सेंट्रल पोजीशन प्लांट सेल की ऑक्यूपाई कर लेता है। अब जब और इसकी रीज़न क्या है कि वैक्यूल स्वेल हो जाता है या वैक्यूल इनलार्ज हो जाता है? इसकी रीज़न ये है कि जब प्लांट सेल इस सिचुएशन में होता है तो इसको हम बेटा टर्जिड स्टेट कहते हैं, या इस प्रोसेस को हम टर्जिडिटी कहते हैं। अब इससे क्या मुराद है या इसकी क्या अहमियत है प्लांट्स की लाइफ में? ये जो टर्जिडिटी है या प्लांट सेल का टर्जिड होना, ये यंग प्लांट्स को, ये यंग प्लांट सेल को स्पोर प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करते हैं। वो किस तरह से? व्हेन द प्लांट सेल एब्जॉर्ब द वाटर, जब प्लांट सेल एब्जॉर्ब करते हैं वाटर तो ये वैक्यूल वाटर को एब्जॉर्ब करता है बेटा, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये स्वेल हो जाता है या इनलार्ज साइज का होता है। जब ये इनलार्ज साइज का होता है वैक्यूल बेटा, इनलार्ज साइज का होगा तो क्या होगा, इट विल डिवेलप द आउटवर्ड प्रेशर। ये प्रेशर डिवेलप करेगा ऑन इट्स बाउंड्रीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ये प्रेशर डिवेलप करेगा अपनी बाउंड्रीज पे, सेल वॉल पे या सेल मेम्ब्रेन पे। और जो प्रेशर डिवेलप करता है उस प्रेशर को हम कहते हैं बेटा टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर डिवेलप करने की वजह से क्या हो जाता है कि जो प्लांट सेल्स हो जाते हैं वो टफ हो जाते हैं या रिजिड हो जाते हैं, नर्व नहीं रहते, जिसकी वजह से यंग प्लांट्स को जिनमें वुड नहीं है उनको सपोर्ट प्रोवाइड होती है। सो इट इज़ द आउटर प्रेशर दैट इज रेगुलेटेड बाय द वैक्यूल, जो वैक्यूल इम्फोसाइज करता है ऑन द बाउंड्री लाइंस, ताकि इनकी वाल्स जो है इनकी बाउंड्रीज रिजिड और टफ हो जाएँ और इनको सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके, ताकि ये इन्वायरमेंटल मैकेनिकल इंजरी से जो है वो बच सके। फिर अब हम बात करते हैं एनिमल के केस में। एनिमल सेल में बेटा दो तरह के वैक्यूल होते हैं, एक को हम कहते हैं फूड वैक्यूल, जिसके अंदर फूड पार्टिकल्स होते हैं, और एक को हम कहते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल दैट कंटेन्स द वेस्ट मटेरियल, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। लाइसोसोम के टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था कि लाइसोसोम बेटा आके इसके साथ फ्यूज करता है फूड वैक्यूल के साथ, और इस फूड को सिंपल कंपोनेंट्स में चेंज करके सेल के अंदर रिलीज कर देता है ताकि सेल इसको यूज़ कर सके। और ये जो वेस्ट मटीरियल सेल के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, इसके अराउंड बाउंड्री क्रिएट करके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनाता है, ताकि देन इसको सेल से बाहर एमिट किया जा सके, सो डैट सेल कैन बी अवॉइड फ्रॉम द डैमेज, ताकि सेल को डैमेज होने से बचाया जा सके। ऑर्गेनेल्स का लेक्चर हमारे पास कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।